माता जी थी, बहुत ही सिंसियर डिवोटी थे, तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो उनके प्रभु जी हमें फ़ोन किया था, तो मैं उनसे बात कर रहा था। तो माता जी हमें बहुत प्रेम करते थे, तो और उनके प्रभु जी भी बहुत प्यार करते थे, और बहुत उन्होंने भगवान के लिए भी बहुत सेवा किया है और भक्तों के लिए भी बहुत सेवा किया है। तो माता जी लगभग बहुत दिन से भक्ति कर रहे थे, लगभग 10 साल हो गए। उसके पहले से ही वो लोग भक्त थे, राम जी के भक्त थे, और जब भक्तों से जुड़े तो महाप्रभु और कृष्ण भगवान के भक्त बन गए। तो उनके घर में भक्ति विश क्लास होता था और वो मंदिर में आते थे। तो माता जी जब स्वस्थ थी तो हर दिन 24 घंटा जप करते थे, और एकादशी में लगभग भीड़ जल करती थी, नहीं तो फल ले लेती थी केवल। मैं उनको थोड़ा फोर्स कर रहा था कि एकादशी प्रसाद लीजिए। तो मैं बाद में बताऊंगा उनके बारे में। और तो उनका लास्ट 2-3 साल से हम बहुत बीमार थी, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम था, शरीर में बहुत सारी तकलीफें थी। लेकिन इस इतने सारे तकलीफों में भी मैंने माता जी को देखा। माता जी बहुत मतलब कभी भी उनके मन विचलित नहीं, तो बहुत बहुत शांत थी, कभी भी कोई कंप्लेन नहीं किया था। हम बहुत मैंने माता जी से बात किया तो माता जी कहती थी कि ये तो मेरी पिछले जीवन की कर्म होगा, इसलिए मैं ये दुख भोग रहा हूँ। शायद मैं और दुख भोगने वाला था, लेकिन भगवान ने तो कम कर दिया है। तो हमें माता जी के भक्ति बहुत हमें बहुत अच्छा लगा था। तो माता जी का एक्चुअली दीक्षा होने वाला था, गुरु महाराज के आश्रय में थी, प्रभुपाद के आश्रय में थी। तो माता जी का दीक्षा नहीं हो पाया था। लेकिन देखिए माता जी कल रात 3 बजे जब ब्रह्म मुहूर्त था, 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त चालू हो जाता है और रामचंद्र के विजय उत्सव अंदर बैठे, और माता जी राम जी के भक्त थे। तो ऐसे दिन में माता जी ने शरीर छोड़ा है। तो मैं 1 हफ्ता पहले भी हम जब यात्रा का प्रिपरेशन कर रहे थे, प्रभु जी आए तो हम बात कर रहे थे। तो माता जी एक्चुअली बहुत अच्छे भक्त थे, तो बहुत चांस है वो भगवान चली जाएगी, गरीब हो। हालांकि उनका दीक्षा नहीं हुआ है, फॉर्मली समझते ना, अनुष्ठानिक रूप से दीक्षा नहीं हुआ है, लेकिन स्पिरिचुअली उनका दीक्षा हो गया है। तो बहुत चांस है कि माता जी भगवान चले जाएगी। तो हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सभी भक्तों लोग एटलीस्ट 1 माला जरूर उनके लिए करिएगा। तो माता जी ने राधा गोविंद जी के लिए जन्माष्टमी में राधा गोविंद जी जगन्नाथ कॉलेज ऑफ सुवर्धमनी के लिए ड्रेस स्पॉन्सर किया था। वो ड्रेस का दाम है 2 लाख से ऊपर। तो माता जी ने राधा गोविंद जी जगन्नाथ कॉलेज ऑफ सुवर्धमनी के लिए ड्रेस स्पॉन्सर किया था एक बार जन्माष्टमी के दिन, और 1 साल गीता मैराथन में उन्होंने 400 गीता स्पॉन्सर किया था। और हर साल के प्रभु जी का नाम बताऊँ कुछ लोगों को बहुत दुख होगा, प्रभु जी का नाम है संत लाल और उनके माता जी हैं पुष्पा माता जी, पुष्पा देवी अग्रवाल, दोनों ही बहुत अच्छे भक्त हैं। मैं जब डेंगू हुआ था
कैलकटा हॉस्पिटल में भर्ती था। माता जी इतना सेवा किया था, तो वो हमें अपने गुरु के जैसे और अपने बच्चे जैसे प्रेम करते थे। तो ऐसी सेवा किसी ने नहीं किया है। हर दिन माता जी कुकिंग करके लाती थी। हम हॉस्पिटल में थे, हमें लगा नहीं, हमको लगा कि मैं राजा के जैसे जिंदगी में हॉस्पिटल में इतने अच्छा, मतलब आश्रम में भी इतना अच्छे से, इतना अच्छा हर दिन अच्छा अच्छा रसोई बना के लाती थी। मैं नहीं चाहता था कि माता जी कुकिंग करके लाए, लेकिन जोर करके अच्छी अच्छी कुकिंग करके लाते थे, लोग मुझे खिला देते हैं हम, और अलग अलग प्रकार के फल, पपीता के रस, तो वो लोग बना के लाते थे। और पूरे केवल हॉस्पिटल में नहीं, पूरे साल में अलग अलग समय में, जब भी कभी उनके घर में जाते थे, खाने का समय नहीं, बोले प्रभु अब मैं नहीं खाऊँ, बोले ऐसा कभी हो सकता है आप हमारे घर में आए हैं और नहीं खा के जाएंगे? जब भी जाएंगे उसी समय माता जी कुकिंग चालू कर देंगे, किसी भी समय में। तो उनके बहुत प्रेम और बहुत अच्छा कुकिंग करते थे माता जी, बहुत एक्सपर्ट लोग, भगवान के प्रति बहुत उनकी श्रद्धा, प्रेम भक्तों के प्रति, और अलग अलग समय भक्तों को दान करते ही रहते थे। और प्रभु जी जब हर साल गीता मैराथन में लोगों के घर घर जाकर गीता के लिए भिक्षा मांगते थे, जैसे कोई मारवाड़ी फैमिली में हो, लोगों के पास वो लोग जनरली दान करते हैं, लेकिन लोगों के पास दान लेना उसके लिए बहुत झुकना पड़ता है। लेकिन प्रभु जी हर साल लोगों से गीता के लिए भिक्षा मांगते थे। तो मेरा रिक्वेस्ट है हम सभी से, ये बहुत चांस है माता जी बहुत आप चले जाएगी, कि उनकी चेतना जिस प्रकार की, उनकी भक्ति क्या प्रगति, बहुत बार हम लोग को दीक्षा हो जाता है, लेकिन दीक्षा के बाद भी हम लोग भक्ति में एडवांस नहीं करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जो दीक्षा लिया है या दीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग भक्ति में आगे बढ़े, हम लोग भक्ति के जो प्रोसेस है उसको सिंसियरली प्रैक्टिस करें। अगर करेंगे तो भगवान ऐसे ही आपके जीवन में आएंगे, विजय उत्सव के दशहरा के दिन आपको उनके धाम में लेके आएंगे। नहीं तो अगर हम लोग सिंसियरली फॉलो नहीं करेंगे तो इस भौतिक जगत में रह जाएगा, मृत्यु कभी भी आ जाएगा, मृत्यु कभी भी आ जाएगा। अभी हम लोग थोड़ा सा क्या कहते हैं, बहुत आराम से भक्ति करते हैं, और बहुत साल है हमारे हाथ में, और बहुत जिंदगी जाएगा, मृत्यु कभी भी हो जाएगा, कभी भी शरीर के सभी कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा, अरे कुछ दिन पहले मैं स्वस्थ था। तो इसलिए आराम का समय नहीं, ज्यादा से ज्यादा जप करिए, ज्यादा से ज्यादा सेवा करिए। देख कुछ लोग हैं जो कि बहुत सेवा कर रहे हैं, और कुछ लोग कुछ करने के बाद भी सेवा नहीं कर रहे, कुछ लोग हरी कथा नहीं सुन रहे, कुछ लोग जप नहीं कर रहे। तो इसलिए शास्त्र में कहा गए हैं, साधन करो भजन करो मरते जान ले पाए। साधन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, लेकिन शरीर कैसे छोड़ना है अगर पता नहीं है, मृत्यु का सामना कैसे करना है पता नहीं है, तो मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त कर पाए। तो आज रामचंद्र का विजय उत्सव है, तो हमें सीखना चाहिए कैसे काम पर और जोर से बोलिए मृत्यु पर मृत्यु से भयभीत मत हो। भक्त लोग मृत्यु से डरते नहीं है, भक्त लोग हरि नाम का आश्रय लेते हैं और नाचते नाचते भगवान चले जाते हैं। प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया है, ठीक है। तो जो भक्ति करता है मृत्यु के समय,
भगवान आते हैं हमको लेने के लिए। तो इसलिए हमें योग्य होना पड़ेगा भगवान धाम जाने के लिए, योग्य होना पड़ेगा। नहीं तो इसी संसार में ही आपके घर के लोकर के अंदर जो कीड़ा रहता है या कॉकरोच होता है उससे जन्म लेना पड़ेगा। कि उधर आसक्ति था। एक बार द्रौपदी जी जा रहे थे, देखा कि एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के बाजू में एक पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ और ऐसे झुका हुआ है। तो द्रौपदी रुक गए, बोले पता है वो पेड़ कौन है? उनके शिष्य लोग तो द्रौपदी मॉर्निंग वॉक करते हैं, आपको तो पता है मॉर्निंग वॉक करते थे और चलते हैं। रुक गए, बोले पता है पेड़ हू इज दिस ट्री? तो शिष्य लोग कौन है द्रौपदी? तो द्रौपदी ने कहा ये जो पेड़ है पिछले जीवन में इसी घर का मालिक था। अरे वो और अभी वो उस घर के पास पेड़ बन के खड़ा है। अभी भी सोच रहे घर मेरा है। कितना मोह में अज्ञान में है। तो इसलिए शरीर छोड़ने से पहले मोह को छोड़िए और कृष्ण को पकड़िए। इस प्रकार घर रहने से ही मोह रहेगा ऐसा नहीं। युधिष्ठिर महाराज के पास पूरे पृथ्वी का स्वामी था लेकिन उनके प्रति वो मोह नहीं था। किनके प्रति? कृष्ण के प्रति। और जब कृष्ण छोड़ चले गए भगवत धाम इसी स्थान से प्रभा क्षेत्र से हम लोग उधर बैठे हुए हैं और युधिष्ठिर महाराज ने अपना राज्य दे दिया जन्मेजय और तैयार हो गए हैं भगवान के पीछे पीछे जाने के लिए। इसी प्रकार हम सबको भी हमारे पास जो भी वस्तु है उसके प्रति मोह नहीं होना चाहिए, कृष्ण के प्रति हमारा मोह होना चाहिए। श्रीनाम प्रभु की। तो हम लोग माता जी के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे कि माता जी उनकी यात्रा और शुभ हो और आनंदमय हो और सुरक्षित हो। पर बाद में हम लोग एक माला उनके लिए जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री नाम प्रभु की जय। पुष्पाजलि माता जी की जय। श्री रूपा की जय।